हाँ जी बताइए, क्या नाम, अपना नाम बोले पहले। ख्याली सर, मेरा नाम ख्यालिद दत्त है। मैं उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ। दत्त बोले, सवाल क्या है आपका, क्या सवाल पूछ रहे हैं मेरे से। सर, सवाल मैं ये जानना चाहते, जो वर्क परमिट होता है वीजा कनाडा का असेसमेंट वाला, जो अनस्किल्ड में आता है, आप बोलते रहो, मैं तो आपकी आवाज इसका सुन। इसका क्या प्रोसीजर है? इसका क्या प्रोसीजर है? सर प्रोसीजर, जो कंसल्टेंट जिससे एजेंट से आप बात कर रहे हो उनसे प्रोसीजर पूछो, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं प्रोसीजर आप बताता फिरूँ सर जी। इसके लिए मेरे पास आपको जो मतलब कि जो सवाल हैं जो आपको जो एम जो आपको फायदा कर सके वो पूछो। अगर मैं प्रोसीजर बताने बैठूंगा तो भी 1-2 घंटे लग जाएंगे। ठीक है, अपना सवाल पूछो, आपका क्या सिचुएशन है, आप क्या कर कह रहे हो, आपको कोई जॉब मिल गई है, वीजा मिल गया, क्या हो क्या रहा है आपकी जिंदगी में, ये बोलो। मैंने 16/11/2018 को यहाँ पे डॉक्यूमेंट सबमिट किया था, तो स्कैन ओवर हुआ था, पासपोर्ट इन लोगों ने अपने पास जो जो जमा किया था। बट क्या हुआ कि 28/11/2018 को मेरा ऑफर लेटर आया, जिसमें मुझे असिस्टेंट स्टोर कीपर की जॉब का हायर किया, जो कनाडा एक में सेकंड, बीसी होल्ड में जो होल्ड कंपनी होल्ड में। होल्ड कर जाओ, होल्ड कर जाओ। हाँ क्या कह रहे, बोले बोले दोबारा से क्या कह रहे। हाँ, मैं कह रहा था मुझे ना यहाँ पे यहाँ से एक्चुअली मोहाली में एक प्लेसमेंट है अल्टरनेटिव कर वीजा कंपनी के नाम से। हाँ यहाँ से मुझे मैंने यहाँ पे 16/11/2018 को सारे डॉक्यूमेंट सबमिट किए और अपना पासपोर्ट इनके पास जमा किया। पासपोर्ट की इन्होंने ये जो रिसीविंग ऑर्डर मुझे दी, और 28/11/2018 को मुझे ऑफर लेटर मिला वहाँ से। वहाँ पे ऑफर लेटर में मेरे साइन ओवर हुए, और प्लस जो है वो जो ऑफर लेटर आया हुआ है वो कनाडा में एक कंपनी है, बीसी स्टेट में, ये बीसी स्टेट में कंपनी है। कंपनी का नाम है एब्रो स्टोरेज, जो ब्रिटिश कोलंबिया में है कंपनी। तो उसमें मेरी जॉब आईडी वगैरह सब कुछ लिखी थी बाय, वो आया था डेविड जे विलियम, जो वाइस प्रेसिडेंट है कंपनी के, उनकी ओर से आया था। सैलरी मेरी लगी थी। और दूसरा बात क्या है कि उन्होंने कुछ बताया थे कि वहाँ पे जाने के लिए आपको इंश्योरेंस कराना होगा, और इंश्योरेंस के पैसे उन्होंने लिए, उन्होंने फीस बताई थी 25,000 है, लेकिन जो हमारे लॉयर हैं उनकी फीस 5,000 रुपये है, प्लस आपको 5 रुपये और पे करना होगा, कुल मिलाकर 30,000 पे करना होगा। तो 15,000 रुपये मैंने उस टाइम पे किया था ऑफर लेटर साइन करते हुए। और फिर उसके बाद मेरा 18/12/2018 को मेरा लिमे लेटर आया। लिमे लेटर मेरा 4 पेज का था, ऑफर लेटर मेरा 3 पेज का था, नॉर्मल ऑफर लेटर था, जैसे इंडिया में तो चलते हैं वैसे ही था ऑफर लेटर। और लिमे लेटर कैसा होता है मुझे पता नहीं था एक्चुअली, कैसा है क्या है मैं ये भी नहीं कह सकता हूँ कि ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है। उसमें कनाडा के दोनों साइड, लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड पे, टॉप पे जो है कनाडा का जो लोगो है, लोगो भी लिखा हुआ था, कंपनी के बारे में भी लिखा हुआ था, और जो कनाडा की इन्फॉर्मेशन होती है वो सारी इन्फॉर्मेशन थी। उसमें से मैं कुछ इन्फॉर्मेशन लेके भी आया, जो जिसमें मेरा एप्लीकेशन नंबर वगैरह है, और मेरा जो वहाँ पे ERID है वो है, जॉब है लिखा हुआ है, जॉब कोड लिखा हुआ था, और जो वहाँ सर्विस कनाडा सेंटर 5083 टेम्परेरी फॉरेन वर्कर वर्क प्रोग्राम पोक्सो बॉक्स नंबर 2270 बोनकोर मेन VC-V6V3। भाई साहब एक मिनट होल्ड करें आप, भाई साहब जरा होल्ड करें आप, इतना सब पढ़ के हमें बता क्यों रहे हैं भाई साहब, इतना सब क्यों पढ़ रहे हैं आप मेरे को, इससे आपका भी टाइम खराब होगा, हमारा भी टाइम खराब होगा। आप मेरे को LMIA दिखा दो बस, कहाँ LMIA दिखाओ सर जरा। सर LMIA और ऑफर लेटर उन्होंने अपने पास ये जो रखा हुआ था, उन्होंने बताया कि ये दिल्ली हाई कमीशन को जो है जाएंगे, आपकी फाइल ये जो है रेडी होगी वहां से, अच्छा आप और फिर रुक जाओ वहां रुक से। जाओ, जी बस रुक जाओ, बस यहीं रुक जाओ यार, पास रुक जाओ। जी 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 इतनी इतनी बड़ी महाभारत में जाने की जरूरत पड़ने वाली नहीं है। ओके ओके हाँ जी हाँ जी अगर उन्होंने आपको LMIA की कॉपी आपको नहीं दी और आपको जॉब ऑफर लेटर आपको नहीं दिया तो कोई तरीका नहीं है पता करने के लिए कि भी वो असली है कि नकली है। पहली बात, ओके LMIA लेटर जो है एम्बेसी को वीजा ऑफिस को भेजने की पहले कोई जरूरत नहीं है। अगर तो किसी को भी वर्क वीजा अप्लाई करना है तो वर्क वीजा वो आपकी तरफ से अप्लाई होगा, या आप अपने आप अप्लाई करोगे, आपका कोई वकील या कंसल्टेंट रजिस्टर्ड अप्लाई करेगा, तब उसमें जो LMIA की फोटोकॉपी और जॉब ऑफर वगैरह और आपकी जो बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन है वो लगेगी वर्क परमिट वर्क वीजा एप्लीकेशन में, और तब जाके वो एप्लीकेशन आगे प्रोसेसिंग पे आएगी न्यू दिल्ली हाई कमीशन में,
और उसमें करीब करीब 6 से 8 हफ्ते का लगने का अंदाज़ा है, एस्टिमेट इतना लगना चाहिए, और तब जाके मालूम पड़ेगा कि भी वीज़ा आपको मिलेगा नहीं मिलेगा। तो अगर उन्होंने आपको कुछ दिखाया ही नहीं है, कुछ दिया ही नहीं है, तो आप सोचो कि वो आदमी असली नहीं हो सकता, क्योंकि वो छुपा रहे हैं आपसे। किस वजह से छुपा रहे हैं ये वो आपको मालूम होगा, लेकिन जो आदमी अगर दिखा के काम नहीं कर रहा, तो डैट मीन्स कि पहले ही से ही शक पैदा हो गया कि कुछ दाल में काला है। अब मैं आपसे ये पूछूं कि जॉब किस चीज़ की है? असिस्टेंट स्टोर कीपर। असिस्टेंट स्टोर कीपर। और तनख्वाह यस, कितनी, तनख्वाह कितनी है? तनख्वाह बताइए। 40 रुपए गवर्नमेंट, आवाज क्लियर नहीं आई। कितने कितने रुपए, क्या कह रहे हैं? 3640 कनाडा डॉलर। 3640 थ्री कनाडा थाउजेंड डॉलर। यस जी 3640 कनाडा डॉलर, इतनी तनख्वाह हो नहीं सकती भाई। अब कैसे बेस पे लगा दी उन्होंने तनख्वाह, क्या है? जॉब ऑफर आपके पास है नहीं, या जॉब ड्यूटीज को देखने का कोई तरीका नहीं है, तो LMI ये है नहीं। कुल मिला के मेरे को लगता नहीं है कि इसमें सच्चाई है, सब झूठ है। इससे पहले किसी का वीजा लगा हुआ है आपसे पहले? जी। मेरा मेरे एक आदमी है, उसका भी हुआ था, लेकिन वो हाई स्कूल पास नहीं है, तो उसका दिल्ली हाई कमीशन से कॉल आई थी, तो उसका इंटरव्यू क्लियर नहीं कर पाया, तो उसको मार्च के लिए बोला है। और उससे पहले उसका एक फ्रेंड कनाडा में पहुंचा है, वो एक ना होटल में जो जॉब करता है वहां पे, हाँ, उससे बस बीच में लिंक बस हुआ था, रुक लेकिन जाओ आज रुक का जाओ लिंक नहीं है उसका। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, बस यहीं रुक जाओ। जो भी जो तीसरा आदमी है जो कनाडा में पहुंचा हुआ है, इसका मेरे को फोन नंबर और नाम लेके दो, तब जाके इसकी शिनाख्त हो पाएगी कि वाकई वो अच्छा इस तरह इस तरीके से या इनके तरीके से वो आया है कि नहीं है, तब जाके देख पाएंगे। अदरवाइज कोई तरीका नहीं है उसको वेरीफाई करने का। तो जी आपसे आपसे मैं गुजारिश करता हूँ हाथ जोड़ के, कि आप ये दो तीन बातें दोबारा से उन्हें पूछें कि भाई जी साहब, आप मेरे को जॉब दे रहे हो, मेरे को एक जॉब की जॉब लेटर की एक फोटोकॉपी तो दो कम से कम, हमारे अपने रिकॉर्ड में फाइल रखने के लिए। दूसरा, हमको एक जी LMIA की कॉपी दो। और तीसरा जो है, जो आदमी आपके थ्रू ऑलरेडी पहुंचा हुआ है, जो काम कर रहा है वीजा पे कनाडा में पहुंचा हुआ है, उसका कोई नाम और फोन नंबर दो, तब जाके हम आगे बात जी करेंगे, नहीं तो भाई जयराम जी की। अच्छा, जी सही है कि ठीक नहीं? सर। जी, अभी रात सवेरे के 3 बज रहे हैं, अभी सोए नहीं आप उत्तराखंड में? क्या हुआ, जगे बैठे हैं या कनाडा के सपने देख सर रहे सर हैं? मैं मोहाली में हूँ, मैं मोहाली में अच्छा जो है जॉब करता हूँ आजकल अच्छा मोहाली में है। मैं। हाँ जी, मैं यहाँ पे होटल में एक रेस्टोरेंट है उसमें हूँ मैं, एक मेरा ना खाना बनाने का काम है यहाँ पे, सेफ का काम है। अच्छा, कोई बात नहीं कोई बात। मैं तो आपसे बस ऐसे ही देख रहा था कि आप जी जी अभी तक पूछिए। जी, अभी तक सोए नहीं आप, तो ये जो मेरे को बताना था मैंने आपको बता दिया। अब आप बताएं, आप मेरे लिए क्या क्या हुक्म है आप आपकी तरफ से? सर आपने मुझे इतना इतना कुछ बता दिया, मेरे लिए तो ये बहुत कुछ है सर। मुझे तो, मैंने जब लीमिया पढ़ा, ऑफर लेटर पढ़ा, मुझे तो लीमिया के बारे में पता नहीं था कि भाई कैसा होता है क्या होता है, तो वो चीजें मैंने आपको बताई। और जो दूसरा क्या है कि आपसे मुझे यही हेल्प चाहिए थी कि आखिर आखिर हमें क्या हमें क्या करना करना चाहिए, चाहिए, मतलब मतलब वो अभी आप कॉल कॉल आनी आने थी, लेकिन लेकिन वो वो कह कह रहे रहे हैं हैं कि कि अभी अभी टाइम टाइम नहीं नहीं हुआ हुआ आपका, आपका, महीना महीना भर भर तो तो हो हो गया, गया, कह कह रहे रहे कि कि वीकली वीकली ऑफ ऑफ और और उसमें उसमें नहीं नहीं ऐड ऐड हो हो रहे रहे हैं, हैं, वो वो हटा हटा के के 20 दिन 20 दिन लगते लगते हैं, हैं, तो अभी वीकली कोई हो गए हैं पता नहीं चल वो रहा। कॉल नहीं आएगी, अब दोबारा नहीं आएगी। अभी हमारा आपने जो इंटरव्यू मेरे को दिया है ना, अब दोबारा कॉल उसकी नहीं आएगी। अगर वो इंटरव्यू देख रहे हैं मेरा, और अगर वो देखेंगे तो वो दोबारा हिम्मत नहीं करेंगे आपको कॉल करने की। ये मैंने, आपने जो फोन नंबर मेरे को भेजे हैं 7707866699, किसका है ये सब, किसके नंबर हैं? कंपनी 70 हाँ, ये कंपनी के नंबर है, ये के नंबर कंपनी है, देख का ले, है, और वो देख लिया नंबर भी मैंने, कंपनी का ही है, और एक नंबर और है इसके। हाँ देख लिया आपने भेजा है, इसका एड्रेस है वहां पर है ना, ये कहाँ पर, मोहाली में आपने दिया है, सेकंड फ्लोर में ऐसी है, वहाँ ठीक है, देख लिया। जी हाँ अब आप मान के चलें कि उनको अगर कानो कान खबर लगी कि आपकी मेरे से बात हो रही है, तो आप दोबारा वो फोन नहीं कर पाएंगे आपको। और अच्छा, लेकिन लेकिन सर उन्होंने उन्होंने तो तो ये ये बोला है बोला है कि कि आप आप यहीं यहीं से से भी भी पता पता कर कर सकते सकते हैं। हैं, ठीक है, हम पता कर रहे हैं उनसे, उनको आप मेरा पैगाम भी दे देना कि भाई, कि अगर जो बात करनी है मेरे से सीधे बात करें। उनसे कहना कि मैं देखूंगा उसके जो LMI है, जो जॉब ऑफर जो भी है, मैं जी खुद चेक करूंगा, और खुद जब तक मैं आपको अप्रूवल नहीं दूंगा, तो आप पैसे नहीं दोगे उसे। तो
तो आप उनको बता दो, और उसमें डरने दूसरी की बात वजह का मैंने जो उनको ये बोला था। हेलो हेलो सुन रहा हूँ मैं बात। जी मैं उनको फर्स्ट टाइम ऑफर लेटर की बात हुई थी, तो मैंने कहा सर ऑफर लेटर दो हमें, आप बोला आप इसमें से जो कुछ लिखना है आपको आप लिख लो, लेकिन हम आपको ना लीमे देंगे ना ऑफर लेटर देंगे, क्योंकि ये हमें वहाँ लगाना होते हैं कि ऑफर लेटर लीमे किसी का हाथ लग जाएगा तो ये लोग मतलब ये कन्वर्ट हो जाता है किसी और के उसमें। एक सेकंड होल्ड कर जाए, होल्ड कर जाए। दोबारा क्या 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 बोले थे आप, मैं सुन नहीं पाया आपकी बात। हाँ मैंने उनको बोला था कि आप लीनिया और ऑफर लेटर हमें तो बोले कि यदि हम आपको दिखाएंगे ऑफर लेटर और लीनिया किसी और को आप दिखा दोगे वो हो जाएगा, तो उसमें क्या होता है कि ये ऑफर लेटर और लीनिया की वैकेंसी ये जो वैकेंसीज है किसी और को भी मिल सकती है, वो मैं उन्होंने इस प्रकार में मेरे को बोला था। रुक जाओ भाई, रुक जाओ आप। ये तो वो बात हुई कि आप जूते की दुकान पे गए तो जूता किसी ने दिखाया कि पहन के ट्राई करो, आप बोले कि भैया ये आप ही ट्राई कर लो, किसी को और को मत दिखाना, हो सकता है कि दूसरा जूता उसको आ जाएगा वो लेके चला जाएगा। ये तो उल्टी सीधी बात करके किसको बहका रहे हैं यार। LMI अगर उसके पास है तो आपको दिखाने से LMI चोरी हो जाएगा, कोई और यूज कर लेगा, ये कहाँ बेसिर पैर की बातें हैं भाई। उसमें LMI में आपका नाम लिखा होगा, जो भी आपका लीगल नेम है, पासपोर्ट का नाम है, वो लिखा होगा, तो वो LMI उसी को फायदा करेगा जिसका नाम लिखा हुआ है। अगर मेरे को मिल गया, तीसरे आदमी को मिल गया, तो आपका नाम हटा के हम अपना नाम कैसे चढ़ा लेंगे यार, बकवास करते हैं आदमी, वैसे उल्टी से बात करते हैं। तो ये सब ये इन मेरी बात आगे पूरी कर लेना मेरे को। ये जो आखिरी चीज जो आपने कहा ना, को उन्होंने कहा, इससे मालूम पड़ गया कि वो आदमी सही नहीं है। अच्छा तो सर दूसरी बात यह है कि जो बंदा अभी इंटरव्यू मतलब पुलिस वेरिफिकेशन में जो रह गया, तो उसका उस जो जो उनके पास पहले काम करता है वो भी पंजाबी है, वो अभी डिटेन है, तो उन्होंने बात करी थी तो बोले थे कि हाँ तेरा पहले का कुछ ऐसा हो गया था कि उन्होंने प्लेसमेंट में बात करी, अपने ऐसी बात करी, ये मुझे नहीं पता, ये उसे भी नहीं पता, तो मैंने उनका कॉन्टेक्ट नंबर भी मांगा था लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि भाई मेरे पास में टाइम नहीं होता कि मैं कुछ बात कर सकूं, क्योंकि वो ये ब्रिटेन में रहते हैं और उनका बिजनेस है सैलरी हुई यहाँ पर मुंबई में, तो अब ब्रिटेन में हो सकते हैं, तो उनसे भी जो दूसरा बंदा है उसको उनकी बातचीत होती है उनसे, तो कह रहे हैं वो भी उन्होंने बोला कि ये ठीक है, मेरे समझ में आ रहा है कि ये ठीक है, तो इन्होंने ये बात क्यों मतलब इस प्रकार हमें क्यों बोला कि कोई किसी और को आपका जॉब मिल जाएगा इस प्रकार से, तो फिर इस हिसाब से मैं भी थोड़ा सा वो पीछे हो गया, मेरा आप लोगों की वीडियो ओवर गई, तो फिर मैंने सोचा चलो एक बार आपको मेरे कॉन्टेक्ट करना कि प्रेशर क्या है। ख्याली मतलब ख्याली आपका नाम क्या है, ख्याली दत्त बावरी। हाँ जी हाँ जी ख्याली दत्त बावरी, ये सब धोखा है जी। और इसमें मेरे को कोई सच्चाई नजर नहीं आ रही है, इसमें दूर दूर तक कुछ समझ नहीं आ रहा कि सच्चाई कहाँ छुपी है। अगर है तो मैंने आपको दो तीन बातें बता दी हैं, इसके आगे मेरे को आप बताने के लिए अब इसमें कुछ बचा नहीं है। कि पहली बात कि वो आपको कुछ कॉपी नहीं दे रहे हैं, LMI की कोई कॉपी नहीं दे रहे हैं और जॉब ऑफर नहीं दे रहे हैं, उससे बात पता लगती है कि उनके पास असली चीज नहीं है, नकली है। दूसरा ये जो उन्होंने बातें करी कि जो वहां पर एम्बेसी में डायरेक्टली लगेगा जी और वहां से आपको कुछ नहीं करना है जी, वहीं से वहीं हो जाएगा, ये भी बात गलत है। तीसरा ये जो जॉब ऑफर जो उन्होंने बोला है कि इतनी तनख्वाह है, ये फलाना ये है, स्टोर कीपर कोई बहुत ही हाईली एडवांस कोई स्किल जॉब नहीं है भाई, कि इतनी तनख्वाह दी जाए यहाँ पर। तो मैं कहाँ से शुरू करूँ, यहाँ तो आपको मेरे ख्याल है कि $1,800-2,000 में भी एक अच्छा स्टोर कीपर मिल जाएगा यहाँ पर कहीं भी, जो आपको डबल सैलरी पे कर रहे हैं, तो वो भी बात जमती नहीं है। और सबसे बड़ी बात जो है, अभी हमने बात उस बारे में करी नहीं, ये कौन है, लॉयर हैं, बिचौलिए हैं, मिडिलमैन हैं, दलाल हैं, कौन लोग हैं, क्या है, और ये हमें इसका कोई लाइसेंस नंबर पता नहीं है। और आखिरी बात ये है कि जिस आदमी का जो आप कह रहे हैं कि वीज़ा लगाया है, वो कनाडा में बैठा है, उसका कोई नंबर नहीं दिया उन्होंने, ना कोई नाम दिया कि हम उसकी कॉल करके उसकी डायरेक्टली कोई वेरिफिकेशन कर सकें, तो इस करके मेरे को लगता है कि ये दाल सारी काली है। बाकी उत्तराखंड के आप रहने वाले हो, जो करना है करो, आपकी मर्जी है भाई। मेरे को ये नहीं समझ में आता है कि आप लोग सारे फंस क्यों जाते हो उसमें यार, ये जॉब ऑफर वगैरह में फंस कैसे जाते हो आप। मतलब जब आपको लग रहा है कि मतलब चलो आप पहले नहीं लग रहा तो अब लग गया, लेकिन आप इतने लोग फंसते कैसे हैं ये फर्जी जॉबों में यार। आज तक मैं ये काम में पिछले ऐसे जो आप कॉल करते हो, मैं पिछले करीब 1.5 साल से लोग मेरे को कॉल कर रहे हैं और काफ़ी वीडियोस
बन के तैयार हैं, लोग देखते भी हैं, फॉरवर्ड भी करते हैं, लेकिन फिर भी नए नए मुर्गे फंस ही जा रहे हैं। और पता नहीं क्या चक्कर है कि चंडीगढ़ मोहाली में आपको क्या अट्रैक्शन है, वहाँ के लोगों के पास आप जाते हो, वहाँ पर दुकानों में चले जाते हो, पैसे दे जाते हो, रजिस्ट्रेशन कराते हो, और वो आपको कोई भरोसा दे देते हैं कि आपको जॉब मिल जाएगी। और जॉब आज तक तो मैंने किसी की जॉब देखी नहीं है यार, किसी को जॉब मिलती है। फिर भी मेरे को पता है कि आपका वीडियो देखने के बाद अगले दस दस बंदे कल फिर फंसेंगे जाके, और पता नहीं क्या बात है यार हमें, ये तो ये जादू कब टूटेगा उनका आपके भगवान जाने। जी, तो सर आप अभी इस कंडीशन में क्या करना चाहिए, मतलब अभी अभी मैंने जाके, क्योंकि यहाँ से मेरे पास में पड़ता है। मैंने सब बता दिया आपको क्या करना चाहिए, अभी भी आपको अगर समझ नहीं आया क्या करना चाहिए तो भाई मैं फिर मैं दोबारा कहानी कैसे शुरू करूं। मैंने मैंने जो ठीक। जो मेरा ओपिनियन है इस बारे में मैंने आपको बता दिया, अब ओके डिसीजन ओके आपको अपना लेना है क्या करना है। जी। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम ब्रदर, टेक केयर, थैंक यू सर। और सावधान रहे। मैं देखता हूँ प्रोग्राम सावधान इंडिया, क्राइम पेट्रोल, और मैं सोचता हूँ कि क्राइम पेट्रोल जैसा एक इमिग्रेशन पेट्रोल भी एक कार्यक्रम नया शुरू करना चाहिए। मैं देख रहा हूँ मेरे को कोई प्रोड्यूसर वाला मिल जाए कोई कोई, तो मैं सोच रहा हूँ जी। इमिग्रेशन की कहानियों का एक वो बनाऊँ एक सीरियल, जिसमें एक सावधान इमिग्रेशन इंडिया ऐसा कुछ बनाना चाहिए। तो सर मैं एक चीज पूछ रहा था, ये हाँ जो हमारा मतलब यदि हम कनाडा या कहीं अन्य कंट्री जैसे तो जाना चाहते हैं, तो वर्क वीजा का मतलब क्या प्रोसीजर होता है, मतलब पहले क्या करना होगा, हमको कुछ बताओगे इस विषय में। सर जी, मैं आप जितना भी ये बता चुका हूँ पिछले 10-15 मिनट में, उसी में से आपके राज खुल जाएंगे। पहले तो जॉब ऑफर चाहिए और लीमिया चाहिए, जब ये दो होंगे उसके बाद ही आगे बात पढ़ पाएगी। तो जॉब ऑफर कोई देने वाला है नहीं है, जॉब ऑफर सब नकली है, वहीं पर घर बैठे बैठे टाइप करके दे ही जा रहे हैं, असली असली जॉब ऑफर तो कहीं मिल नहीं रहा ना। सर जो ये लीमिया होता है, लीमिया का असली और नकली में क्या पहचान होती है, ऐसे कि हम पहचान कर सके भाई ये नकली है या असली है। वो जब दिखाओगे डॉक्यूमेंट मैं बता दूंगा, अभी आपको अभी आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो जिससे कि मैं आपको बता सकूं कि ये चीज देखने वाली है, वो चीज देखने वाली है। सर आप मतलब कुछ आइडिया दोगे कि मतलब उसमें ये इस प्रकार के लोग होने चाहिए, ये होने चाहिए, नहीं मतलब नहीं है, नहीं पता ऐसा लगा। नहीं, मैं कोई आइडिया मेरे पास कोई लोगो दिखाने को नहीं है कि ये लोगो होना चाहिए। उसके लीमिया के पहले सेंटेंस से ही, दो सेंटेंस से ही मेरे को मालूम पड़ जाएगा कि उसमें मिलावट है कि नहीं है। ओके क्योंकि ना मैंने नेट पे देखे लीमिया, तो लीमिया अलग अलग थे, हर साल के अलग अलग लीमिया जो अपलोड हुए हैं, तो फिर मैं कुछ नहीं जो डिसाइड नहीं कर पाया भाई कि लीमिया सही है। भाई साहब, जब भारत सरकार हर एक साल में, हर एक कुछ कुछ सालों में जब नोटों के शेप और साइज रंग बदल रहे हैं तो लीमिया बदल भी सकता है, इसमें क्या बात है। जी। बदलने वाली चीज जो डिजाइन देखने की जरूरत नहीं है, उसमें जो क्या लिखा है, क्या रेफरेंस है, वो देखने वाली चीज है। उसको उसके अंदर जो लिखा हुआ है वो गौर करने वाली चीज है, डिजाइन और कलर देखने वाली चीज नहीं है। अच्छा ये जो हमारा लीमिया लेटर में ये जो एप्लीकेशन नंबर होता है, इससे पता लगा मतलब लगा सकते हैं क्या, मतलब हमारा लीमिया वहां से आया भी है या नहीं आया है, सही है गलत हाँ पता हो सकता है। है, इसका क्या प्रोसेस, कैसे पता कर सकते हैं उसे। नहीं, वो तो उनको उनके ऑफिस में कॉल करके पता कर सकते हैं। नहीं वो बाय नेट भी चेक होता है ना सर। सर जी, आप मेरे को बता रहे हो या पूछ रहे हो? नहीं सर मैं पूछ रहा हूँ, मुझे मुझे हाँ, बोला कि मतलब नहीं कई नहीं लोगों ने मुझे नहीं कि एप्लीकेशन नंबर। जी नहीं नहीं गलत कह रहे हैं, नेट पे चेक नहीं हो, लीमिया का जो हाँ जो फाइल नंबर है नेट पे चेक नहीं हो सकता। अच्छा, हाँ ठीक। ठीक है सर, बहुत बहुत खुशी हुई आपसे बात करके, और मेरे को एक नई राय मिली, आगे को मैं अपने यार दोस्तों को सबको इन्फॉर्म करूंगा इस विषय में कि ठीक है, आप ये भाई ये वीडियो चीज। वीडियो आके फॉरवर्ड जी करो, लोगों को दिखाओ, स्पेशली उत्तराखंड के लोग। मैं देखता हूँ कि होटल वाला बिजनेस में बहुत है, मेरे यहाँ आसपास भी यहाँ बहुत रहते हैं जो उत्तराखंड के लोग, देहरादून जी के हैं, चमोली के हैं, यहाँ पर जो काम करते हैं रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में, लेकिन ओके वो एजेंट एजेंटों का जादू इतना तगड़ा है, एजेंटे के जाल में लोग फंस रहे हैं। मैं तो एक्चुअली चैलेंज करता हूँ, मैं आपको आपके माध्यम से लोगों को बताना चाहता हूँ, मैं चैलेंज करता हूँ। मैंने ये चैलेंज 2 साल पहले भी छोड़ा था कि भाई ऐसा कोई एजेंट है, कोई कोई है, कोई जांबाज या कोई मर्द एजेंट है जिसमें इतनी मर्दानगी हो जो मेरे सामने आके मेरे को एक सही जॉब ऑफर दिखा सके कि ये मैं इंडिया में बैठे बैठे मेरे पास सही जॉब ऑफर है और इसके बेस पे, LMI के बेस पे जॉब लगेगी, ऐसा कोई। मैंने 2 साल से मैं कह रहा हूँ, लेकिन अभी तक मेरे पास कोई भी एक लाइव एग्जाम्पल नहीं आया जिसके पास एक सही जेन्युइन जॉब ऑफर हो। सब सब घर बैठे बैठे पर्चे में अपना को टाइप कर ही जा रहे हैं कि फलानी कंपनी ये कंपनी। अच्छा, ठीक है जी, थैंक यू वेरी ठीक है मच सर, फॉर थैंक योर टाइम, थैंक यू यू वेरी मच, सर, थैंक यू, टेक केयर। ओके।